प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, जैसे माननीय नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री रिलीफ फंड है, हर एक आदमी कितना पैसा दिया सहायता में, वो पूरा पारदर्शी तरीके से वेबसाइट पर उपलब्ध है। केंद्र सरकार बताए कि कितने कौन लोगों ने कितनी राशि दी, कहां अपने राशि खर्च किया और बिहार के किन लोगों को लाभ मिला है, इसका श्वेत पत्र जारी करिए। साथ ही हिंदू धर्म के सनातनियों के साथ जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप राजनीतिक दुर्व्यवहार कर रहे हैं कि पीएम केयर फंड का पैसा रहते हुए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष रहते हुए, उन राशि का जो आप खर्च नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रीय आरोग्य निधि में आपने ऐसा प्रावधान कर दिया जिससे बिहार के लोगों को लाभ नहीं मिला, और बिहार के लोगों का गुनाह क्या है कि आपने एक तरफ मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में 43 हॉस्पिटल सूचीबद्ध हैं और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में मात्र 5, कौन है इसके लिए गुनाहगार? तो ये पीएम केयर फंड का जो पैसा आप लोग कह रहे हैं कि इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और बिहार के साथ 5 जो हॉस्पिटल सिलेक्ट किए गए हैं, तो क्या बिहार के साथ भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल भाई, बिहार के साथ इससे बड़ा भेदभाव क्या होगा कि एक तरफ मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में 43 हॉस्पिटल बिहार के सूचीबद्ध है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार 5, तो क्या और हॉस्पिटल में जिनका इलाज होता है वो हिंदू नहीं है? वो हिंदू सनातनी है कि नहीं? तो सनातनी हिंदू को न्याय दो, यही हम कहना चाहते हैं। अश्विनी चौबे मनसुख मांडविया पे अभी आप आरोप लगा रहे हैं कि भाई, तो वो राज्य मंत्री हैं, अगर उनके पास संचिका आती है तो उनकी भी जिम्मेवारी है कि वह यह काम करें।